वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हरमनदीप सिंह और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग प्लान। और दोस्तों, मैं ना इसको पेपर के ऊपर प्रॉपर, जैसे किसी को प्रेजेंट करते हैं ना प्लान, मैं खुद उसी टाइप से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि पेपर के ऊपर, शीट के ऊपर इसको कैसे प्रेजेंट करना है। अदरवाइज मैं स्लाइड्स भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि कैसे किसी को आप दे सकते हो प्लान। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला वीडियो आपके लिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे हम लोग और कोशिश करूंगा कि सब कुछ कवर करूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इसमें तीन टॉपिक्स जो है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले इसका प्रोफाइल, और फिर प्रोडक्ट्स, और फिर प्लान के बारे में। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने कोई कंपनी को देखना है कि वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, तो आपको ये तीन चीज़ें जरूर चेक करनी चाहिए। कंपनी का प्रोफाइल चेक करना चाहिए, प्रोडक्ट चेक करना चाहिए, और प्लान चेक करना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी इन तीनों पैरामीटर्स के ऊपर अच्छी है तो वो कंपनी आपके लिए बेस्ट है। और मैं बड़ा प्राउडली कह सकता हूँ इस चीज़ को कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है, जब आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये तीनों पैरामीटर्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोफाइल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई फिनिक्स एरिजोना में, और आज इसका जो हेड ऑफिस है वो भी फिनिक्स एरिजोना में है, यूएसए में। और इसके जो कंपनी के ऑनर हैं, जो सीईओ मिस्टर रेक्स मॉन, और अप्रॉक्सीमेटली 42 ईयर्स के करीब करीब हो गए हैं कंपनी को अब। तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ी चीज़ है, 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंपनी का। और सिर्फ एक प्रोडक्ट एलोवेरा जेल से स्टार्ट किया था। आज की डेट में अगर बात करूं तो 200+ प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, तो ये बहुत बड़ी बात है। कंपनी टोटली वर्टिकल इंटीग्रेटेड है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड होता है प्लांट से लेके प्रोडक्ट आप तक पहुंचाने का, बीच का जितना भी प्रोसेस है वो सारा कंपनी खुद करती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। और तकरीबन 8500 एकर्स के फील्ड्स हैं इसके, एलोवेरा के अपने खुद के। और बीहाइव में भी हम लोग डील करते हैं, बीहाइव प्रोडक्ट्स में भी 160+ कंट्रीज में कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करूं तो 10 मिलियन से ज्यादा FBOs, यानी कि 10 मिलियन से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है। ये बहुत बड़ी बात है। टोटली डेट फ्री है कंपनी, कंपनी के ऊपर कोई लोन्स नहीं है, कैश रिच कंपनी है, और कोई शेयर होल्डर्स नहीं है कंपनी के। प्लस प्राइवेटली ऑन्ड है, और $1.5 बिलियन से ज्यादा के एसेट्स है कंपनी के। दोस्तों, कंपनी को बहुत सारी ऐसी सील्स मिली हैं, सेफ्टी सील्स, सील्स ऑफ अप्रूवल्स आप कह सकते हो, जो ये सिद्ध करती हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब हैं और नेचुरल हैं और 100% सेफ है। जैसे कि IASC की सील है कंपनी के पास, इंटरनेशनल अलॉय साइंस काउंसिल की रेटिंग, जिसको कॉशी रेटिंग भी कहते हैं, कंपनी को ऑलरेडी मिली हुई है। इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल, DSA का पार्ट है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, और एम हलाल प्लस क्वालिटी फ्री, ये भी सील्स हैं कंपनी के पास दोनों। ये सील्स की ना बहुत ज्यादा आप समझ लो इंपॉर्टेंस है। ये सील्स अगर किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को मिली हैं तो आप समझ लो कि आप निश्चिंत होके आप प्रोडक्ट्स जो है उसको यूज कर सकते हो। आपको ये चीज की अश्योरिटी हो जाती है कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, सेफ हैं, नेचुरल हैं। और मैं बात करूं तो 25,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड है कंपनी की। एलोवेरा की बात करूं तो 85% से ज्यादा का मार्केट शेयर कंपनी के पास है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी एलोवेरा सेल होता है उसका 85% तो फॉरएवर ही जो है वो सेल करती है। 65% से ज्यादा मार्केट शेयर जो है बीहाई प्रोडक्ट्स का वो कंपनी ऑलरेडी कंपनी के पास ही है, समझ लो आप। तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरे वर्ल्ड में हम लोग बीहाई प्रोडक्ट्स और एलोवेरा प्रोडक्ट्स में वर्ल्ड लीडर है। ये बहुत, आप समझ लो कि बहुत बड़ी चीज है वर्ल्ड लीडर होना। जिन भी प्रोडक्ट्स में हम लोग डील कर रहे हैं उसमें वर्ल्ड लीडर होना ये बहुत बड़ी बात है।
प्लस इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में 19 ऑफिस हैं ऑलरेडी। इंडिया में जो हेड ऑफिस है वो मुंबई बांद्रा में है। ये 2000 में इंडिया में कंपनी आई थी, अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स के करीब हो चले हैं। 100+ प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में ऑलरेडी। टर्नओवर की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 500+ करोड्स। मोर देन 1 मिलियन एफबीओज ऑलरेडी, मोर देन 1 मिलियन पीपल ऑलरेडी एसोसिएटेड है हमारे साथ इंडिया में भी। और कंट्री सेल्स मैनेजर अगर उनकी बात करूँ तो ही इज मिस्टर हरीश सिंगला। तो ये था दोस्तों कंपनी का प्रोफाइल, और कंपनी का प्रोफाइल मैं समझता हूँ जितना बढ़िया हो उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका करियर जिस कंपनी के हाथों में है वो कंपनी बिल्कुल सेफ है। तो हमेशा कंपनी का प्रोफाइल देख के उसको चूज करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि फॉरएवर लिविंग का प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट्स के बारे में। प्रोडक्ट्स की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज क्या हैं, उसके बारे में नहीं मैं बात करने जा रहा। मैं आपको सिर्फ अभी यहाँ पे ये बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में हम लोग डील करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट्स की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूंगा, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो एलो ड्रिंक्स में हम लोग डील करते हैं, एलोवेरा के बने हुए ड्रिंक्स में, बी हाइव प्रोडक्ट्स में, मधुमक्खी से बने हुए प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स में हम लोग डील करते हैं, वेट मैनेजमेंट में हम लोग डील करते हैं, न्यूट्रिशन में डील करते हैं, प्लस एनिमल केयर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सेगमेंट है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि 100% नेचुरल और सेफ हैं ये प्रोडक्ट्स, और ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी सेफ्टी की बात है। आप जब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको इस चीज़ का पूरा विश्वास होता है कि आप बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। अब आते हैं इसके प्लान के बारे में। 10 टाइप की इनकम जो है वो फॉरएवर आपको प्रोवाइड करता है, 10 टाइप्स की। आप नॉर्मली कोई भी जॉब करते हो तो आप सैलरी ही मिलती है आपको, या थोड़े बहुत इंसेंटिव्स अगर आप सेल्स में हो तो, है ना। लेकिन यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप 10 टाइप्स से इनकम जो है वो अर्न कर सकते हो। सबसे पहला है रिटेल प्रॉफिट, जो कि 15 से लेकर 30% तक जाता है। उसके बाद है प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, आप किसी को अपने साथ अपने टीम का पार्ट बनाते हो तो उसके ऊपर आपको 15% का जो है कंपनी प्रॉफिट देती है। पर्सनल बोनस 5 से लेकर 18% तक, वॉल्यूम बोनस मिलता है आपको 3 से लेकर 13% तक जाता है, लीडरशिप बोनस 6%, 3%, 2%, जेम बोनस मिलता है आपको यहाँ पे। आप यहाँ पे अर्नड इंसेंटिव, जिसको कार प्लान भी कहते हैं, आप वो भी यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें लेवल 1 में कंपनी आपकी मंथली इनकम के अलावा आपको 26,000 रुपये पर मंथ तक देती है आपको, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो। लेवल 2 अगर क्वालिफाई करते हो तो 39,000 पर मंथ तक आपको मिलता है, और अगर आप लेवल 3 अचीव करते हो तो आपको 52,000 मंथली मिलता है आपकी मंथली इनकम के अलावा। उसके बाद आप फ्री टूर्स यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों हैं। इंटरनेशनल में बात करूँ तो ईगल मैनेजर रिट्रीट आता है इसमें। उसके बाद 9th जो टाइप की इनकम है वो ग्लोबल रैली है, यानी कि आप इंटरनेशनल टूर्स आप जो है वो उसको अचीव कर सकते हो। और उसके बाद जो 10th, जो उसको सबसे बड़ी इनकम कह सकते हो आप, वो उसको चेयरमैन बोनस कहते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट शेयर भी कह देते हैं इसको, या दिवाली बोनस भी कहते हैं कुछ लोग, आप वो भी यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो ये जो 10 टाइप्स की इनकम है यहाँ पे आप जो अर्न कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं कि शुरू कैसे करना है इसको। ज्वाइनिंग टोटली फ्री है, सिर्फ मिनिमम अब जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो मिनिमम 1,000 रुपीज़ की बिलिंग आपको साथ में करनी होती है, उसके आप प्रोडक्ट कोई भी चूज कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करते हो 5,000 रुपीज़ के साथ, ये लेटेस्ट अपडेट आया है कंपनी पॉलिसी में, पहले नहीं होता था, लेकिन अब बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया कंपनी ने कि अगर आप 5,000 रुपये के साथ बिलिंग करवाते हो, अपनी 5,000 के प्रोडक्ट्स आप बाय करते हो, और कंपनी की न्यू जो ऐप लॉन्च हुई है आप उसके साथ अपनी ज्वाइनिंग करते हो, तो आपको इमीडिएटली न्यू पर्सन स्पॉन्सर करने की भी पावर मिल जाती है। मतलब नए लोगों को भी आप अपनी टीम का पार्ट बना सकते हो, अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये की बिलिंग कर लेते हो तो। ठीक है, तो ये पावर मिल जाती है आपको न्यू पर्सन को ज्वाइन करवाने की भी। ये बहुत बड़ा बेनिफिट कंपनी ने दे दिया, और आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा अब इंक्रीज कर सकते हो सिर्फ इतने से छोटे से चेंजेस के कारण ही। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा चेंज है। अब जब आप शुरू करते हो तो आपको 15% तक का जो है वो डिस्काउंट मिलता है अपनी पर्सनल परचेजिंग के ऊपर,
जब आपने शुरू कर लिया फॉर्म फिलअप कर लिया आपने, और 15% का डिस्काउंट आपको अगर आपने 5,000 के साथ ज्वाइनिंग की है तो 15% का जो है वो प्रेफर्ड कस्टमर जो है प्रॉफिट भी आपको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो चॉइसेस हैं आपके पास कंपनी का पार्ट बनने के लिए। आप कंपनी के साथ दो चॉइसेस आप चूज कर सकते हो, उसमें से कोई भी मतलब एक चॉइस कर सकते हो कि आप किस टाइप से पार्ट बनना चाहते हो। सबसे पहला है बिकम अ प्रेफर्ड कस्टमर, कि आप कहते हो कि जी मुझे प्रोडक्ट बड़े अच्छे लगे और मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूजर ही रहना चाहता हूँ और मुझे डिस्काउंट अगर मिलता है तो बेस्ट है। तो अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर के साथ प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे जुड़ते हो तो गुड। और दूसरा है बिकम एन एफबीओ एंड बिल्ड अ बिजनेस। आप एफबीओ बन जाओ, एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, और आप फिर अपना जो बिजनेस है वो भी डेवलप कर सकते हो। और अब जैसे मैंने बताया कि कंपनी ने लेटेस्ट चेंजेस किए हैं, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर के अंदर भी अपना बिजनेस जो है वो डेवलप करना शुरू कर सकते हो, अपनी टीम बनानी शुरू कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया कंपनी ने। तो अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें लेवल्स हैं और कैसे कैसे आप यहाँ पे अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। तो आपने फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगते हैं आपके एक आईडी प्रूफ और एक रेजिडेंस प्रूफ। यानी कि जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप अपना पैन कार्ड वो सबमिट करते हैं, पैन कार्ड अगर ऐप के थ्रू ज्वाइन करना है तो पैन कार्ड इमीडिएटली मस्ट ही है। तो पैन कार्ड एक चाहिए आपका, और कोई भी आपका डीओबी एंड एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो सकता है आपका, आपका पासपोर्ट हो सकता है। तो कोई भी दो प्रूफ ये लगा के पैन कार्ड के साथ, यानी कि एक और प्रूफ लगा के आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और सबसे पहले आप ज्वाइन करते हो एज अ प्रेफर्ड कस्टमर, जिसमें आपको 15% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एलोवेरा जेल की बॉटल है वो है 1672 रुपीज़ की एमआरपी है, बट जब आप एज अ प्रेफर्ड कस्टमर हमारे साथ पार्ट बन जाते हो कंपनी का, तो आपको यही बॉटल जो है वो 1452 रुपीज़ की मिलनी शुरू हो जाती है। यानी कि आपको डिस्काउंट पे जो है वो प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे 5,000 रुपये की अगर आपने बिलिंग करवा ली है तो आप किसी और को ज्वाइन करवाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी कंपनी जो है आपको 15% का जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट देती है। आप किसी को आपने पार्ट बनाया कंपनी का, उसने कुछ बिलिंग की, तो उसके ऊपर भी आपको 15% का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रमोशन होती है आपकी एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके लिए क्या करना होता है, आपको 2 CC का बिजनेस करना होता है। 2 CC इन शॉर्ट बता देता हूं, 1 CC इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपया आज की डेट में, 15,000। बाकी डिटेल में आपकी सीसी क्या होता है आप अपने जिन्होंने आपको बिजनेस प्लान के बारे में बताया है आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो 2 CC का मतलब क्या हो गया जी, 2 CC का मतलब 15,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 30,000। यानी कि अगर आपका 30,000 का बिजनेस हो जाता है, 30,000 रुपीज का बिजनेस हो जाता है, तो आप क्वालिफाई कर जाते हो 2 CC यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। और असिस्टेंट सुपरवाइजर के ऊपर आपका जो डिस्काउंट है वो 15 से बढ़ा के 30% कर दिया जाता है। यानी कि अब अगर आप प्रोडक्ट बाय करोगे तो आपको 15% डिस्काउंट नहीं, आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। और प्लस साथ में आपको पर्सनल बोनस भी आपको मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा से एक मिनट वो शीट लेके आता हूँ। आपको पर्सनल बोनस जो है वो भी मिलेगा 5% इस लेवल के ऊपर, ठीक है। और जो प्रेफर्ड कस्टमर आपने बनाया नीचे अपने, उससे 15% मिलता था, 15% के साथ अब 5% का जो है आपको वो बोनस भी शुरू हो जाएगा प्रेफर्ड कस्टमर के ऊपर भी, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूं तो नेक्स्ट प्रमोशन होती है सुपरवाइजर की। सुपरवाइजर के लिए आप 25 CC करते हो अपनी टीम को मिला के, अपनी टीम के साथ आप मिलके काम करते हो। 25 CC जैसे ही करते हो आपको सुपरवाइजर एज प्रमोट कर दिया जाता है, और आपका डिस्काउंट तो 30% रहता है, डिस्काउंट उसके पास सेम ही रहेगा हमेशा, लेकिन बोनस जो है वो 5 से बढ़ा के 8% तक कर दिया जाता है। जो आपका प्रेफर्ड कस्टमर का जो प्रॉफिट है वो भी 15 से, मतलब वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो बोनस है वो आपको 5 से बढ़ा के अब 8% कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आइडियली देखते हैं कि सुपरवाइजर कैसे करना है, ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ इसमें। जैसे मान के चलते हैं आपकी टीम में 4 पर्सन हैं, और एवरेज मान के चलते हैं हर पर्सन 4 CC करता है, तो आपके कितने हो गए जी, 16 CC। कंपनी आपको 2 मंथ्स का टाइम देती है, मंथ 1 और मंथ 2 प्रमोशन लेने के लिए। तो मान के चलते हैं वही 4 पर्सन ने अगले महीने फिर यहां पे 4 CC का बिजनेस कर दिया, तो आपके कितने हो गए जी, 30 द्वारा फिर हो गए 16 CC। तो 16 CC और 16 CC आपके हो गए 32 CC। 2 महीने का टाइम देती है ना कंपनी आपको, तो 32 CC, लेकिन 32 नहीं 25 CC ही जैसे ही होते हैं आपके,
तो आप वहां पे आपको प्रमोट कर दिया जाता है एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, आपकी टीम में अगर सिर्फ चार ही पर्सन है, आपने उनको चार चार सीसी महीने का बिजनेस सिखा दिया, तो 2 महीने के अंदर अंदर ही आपके 32 सीसी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ 25 सीसी के ऊपर ही कंपनी आपको प्रमोट कर देती है। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप नेक्स्ट प्रमोशन के लिए रन करते हो, तो असिस्टेंट मैनेजर की है नेक्स्ट प्रमोशन 75 सीसी, आप अपनी टीम के साथ मिलकर जब करते हो तो आपकी प्रमोशन हो गई एज असिस्टेंट मैनेजर। और यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलता है, अब डिस्काउंट सेम रहेगा लेकिन बोनस जो है आपको वो इंक्रीज कर दिया जाएगा, 8 से बढ़ा के अब 13% कर दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि आपको 30+13 यानी कि 43% का यहाँ पे बेनिफिट होना शुरू हो गया। और 15% यहाँ से वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे बोनस जो है वो 8% से बढ़ा के 13% कर दिया जाएगा। और इसी टाइप से मैनेजर मैनेजर भी विद टीम करते हो आप, मैनेजर के लिए 120 सीसी की रिक्वायरमेंट होती है। 120 सीसी, जैसे आपके 120 सीसी हिट होते हैं तो आप 30% आपको यहाँ पे वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो बोनस है आपका वो बढ़ा के 18% तक कर दिया जाएगा, 13 से बढ़ा के अब 18%। और यहाँ पे 15 तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये भी 13 से बढ़ा के 18% कर दिया जाएगा। तो 120 सीसी या तो कंपनी कहती है कि आप 2 मंथ्स के अंदर 120 सीसी कर लो, या 4 मंथ्स के अंदर 150 सीसी कर लो। तो ये कंपनी ने बहुत बड़ा बेनिफिट दे दिया। मान के चलते हैं आपने जेन यानी मंथ वन की बात करते हैं, मंथ वन में आपने किया 60 सीसी और मंथ टू में भी आपने कर दिया 60 सीसी, तो ये हो गया 120 सीसी और आप बन गए मैनेजर। या फिर मंथ वन में, मंथ वन जैसे मान के चलते हैं जेन की बात करते हैं, मंथ टू में फेब की, मंथ थ्री हो गया, मंथ फोर हो गया, कोई भी कंसिक्यूटिव 4 मंथ्स कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैन और फेब, कोई भी लगातार 4 महीने का टोटल। जैसे मान के चलते हैं आपने यहाँ पे 40 कर दिया, यहाँ पे मान के चलते हैं 50 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर आपने 60 कर दिया, तो मान के चलते हैं ये जैसे टोटल है आपका 120 या इससे ज्यादा हो जाता है, 150 या इससे ज्यादा हो जाता है, तो आप जो है वो फिर मैनेजर बन गए। ये भी 2 वे है आपके बस मैनेजर बनने के लिए, 40 और 50, जैसे 90 सीसी, 90 और 30, 120 सीसी, 120 और 60, 180 सीसी, तो कंपनी आपको 150 सीसी पे ही प्रमोट कर देती है। 150 सीसी के ऊपर ही आप बन जाते हो, 4 महीने में 150 कर लो या 2 महीने में 120 सीसी कर लो। ठीक है, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखना कि आप जिस लेवल पे हो, आपका नीचे टीम जिस लेवल पे है, तो आपको उसका डिफरेंस मिलेगा। मान के चलते हैं आप मैनेजर हो, तो आपके नीचे कोई पर्सन ऑलरेडी एएस है, एएस कुछ बिजनेस करता है, तो अब आपको आना है 18%, लेकिन एएस को आ रहा है 5%, आपको आना है 18%, एएस को आ रहा है 5%, तो आपको उसके बिजनेस का डिफरेंस आएगा यानी कि 13%। आपके नीचे आपको सुपरवाइजर की टीम से आएगा 10% और आपके नीचे जो असिस्टेंट मैनेजर है उसकी टीम से आएगा आपको 5%। दोबारा से समझ लो मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे मान के चलते हैं आप 18% पे और आपके नीचे एएम है कोई, वो है 13% पे। और एएम कोई भी बिजनेस करता है, मान के चलते हैं वो करता है 10 लाख रुपए का बिजनेस, तो 10 लाख के बिजनेस पे आपको 18-13 यानी कि 5% आएगा सिंपली। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब कुछ यूनिक पॉइंट्स जो कंपनी के मार्केटिंग प्लान में, वो भी देख लें। ये यूनिक पॉइंट्स के कारण जो कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो इतना वंडरफुल हो जाता है कि मैं समझता हूँ कि कोई कंपैरिजन रहता ही नहीं इसका मार्केट में। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे, जैसे ही आप इस कंपनी का पार्ट बनते हो, तो आपको 160 कंट्रीज में बिजनेस करने का मौका मिल गया। यानी कि आप सिर्फ अपना बिजनेस, आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप 160 कंट्रीज में कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। आप देखो कितनी बड़ी बात है। आप सब सोचो कि आज इंडिया में बैठ के आप यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करो यहीं पे, क्योंकि आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू, पूरा इंटरनेट के थ्रू आज है ना ग्लोबली हो गया, कहीं पे भी आप बिजनेस करो तो कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है कि आप कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। और मजे वाली बात है कि वहां पे जो बिजनेस करोगे तो उसी कंट्री की करेंसी में आपको इनकम जो है वो आती है। अब सेकेंड, यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है आपको, बस आपने 1000 की मिनिमम बिलिंग करनी है और उसके लिए आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा। और अगर आप 5000 के साथ करते हो तो इमिडिएटली ज्वाइनिंग की पावर भी मिल जाती है। ज्वाइनिंग के लिए आपको ऐप के थ्रू ज्वाइन करना है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कोई स्टार्टर किट नहीं है। बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, स्टार्टर किट्स होती हैं कि आपको वो प्रोडक्ट जो कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया वो ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हो, कोई स्टार्टर किट नहीं है। रिन्यूअल की कोई फीस नहीं होती है, बहुत सारी कंपनीज जो है रिन्यूअल का पैसा लेती है हर साल, या टाइम टू टाइम उनका रिन्यूअल की फीस होती है। फेयर हाउसिंग का कोई एक्सपेंसिस नहीं है आपको, कोई स्टॉक नहीं मेंटेन करना है अपने पास। होम बेस्ड बिजनेस है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, अपने घर से कर सकते हो। प्रमोशन के लिए
ज्यादातर कंपनी सिर्फ एक ही मंथ का टाइम देती हैं, या मेरे ख्याल में तो सभी कंपनी शायद एक मंथ का टाइम देती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन के लिए सभी लेवल्स के लिए कंपनी कम से कम 2 मंथ का आपको देती है प्रमोशन का टाइम। आप 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स में किसी में भी अगर अपना नेक्स्ट लेवल अचीव करना है तो टोटल बिजनेस जो है उसको करके आप कर सकते हो। और मैनेजर के लिए तो 4 मंथ्स देती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बेसिक ट्रेनिंग्स बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्जेस नहीं लेती कंपनीज की। एवरीबडी कैन डील डायरेक्टली विद द फॉरएवर, हर कोई बंदा डायरेक्टली अपना जो है वो डील कर सकता है फॉरएवर के साथ, अगर वो फॉरएवर का पार्ट है तो। सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो पहले। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है, कोई भी रिवर्जन नहीं है। किसी भी लेवल से आप एक बार टच कर लेते हो तो वहां से कोई रिवर्जन नहीं है आपको। रॉयल्टी इनकम है यहाँ पे, रॉयल्टी इनकम आपके किए हुए काम, पुराने किए हुए काम के ऊपर आपको इनकम लगातार आती रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है, इसको कहते हैं रॉयल्टी इनकम। यू कैन डू बिजनेस एनी वेयर इन द वर्ल्ड, आप पूरे वर्ल्ड में, जैसे मैंने बताया आपको कि कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस कैन बी इनहेरिटेड बाय अ फैमिली मेंबर, आपका बिजनेस आपके बाद आपकी फैमिली का कोई भी पर्सन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, वो कर सकता है। मतलब इसके बाद 15th जो मैं समझता हूँ हाइएस्ट पे आउट इन इंडस्ट्री, 38% तक का मार्जिन है कंपनी देती है जो। और 16th जो आपको बेनिफिट मिलता है यहाँ पे वो है बोनसेस, जो है वो जो होलसेल प्राइस है उसका 143% जो बनता है उसके ऊपर जाके आपको जो है बोनस दिया जाता है, 143%। यानी कि आप सोचो कि कंपनी के पास आप प्रोडक्ट लेने गए, कंपनी की मान के चलता है एमआरपी है 1000, लेकिन आपको डिस्काउंट करके वो प्रोडक्ट अगर मिलता है लेट से 600 या 700 रुपए का, तो बहुत सारी कंपनीज नहीं सभी कंपनीज मैं समझता हूँ यही करती हैं कि आपको वो जिस प्राइस पे बिलिंग हुई है उसके ऊपर ही आपको जो है वो बोनस देती है। लेकिन फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो आपने प्रोडक्ट तो चाहे आपको 600 रुपये कॉस्ट किया, लेकिन अगर उसकी एमआरपी 1000 है तो उसके अंदर कंपनी की तरफ से 143% के ऊपर जाके बोनस प्राइस डिसाइड किया गया है, और आपको बोनस प्राइस के ऊपर जो है वो बोनस दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ ये एक यूनिक फीचर है। ये है सारा कुछ दोस्तों, आई होप कि आपको क्लैरिटी हो गई, और अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड विशिंग यू अ ग्रेट करियर, बाय।